हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी अलर्ट। तो आज मैं बीबी क्रीम का रिव्यू करूंगी। यहाँ पे मेरे पास दो बीबी क्रीम है, एक है पॉन्ड्स बीबी क्रीम, दूसरी है फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। इन दोनों में से कई लोगों के पॉइंट है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा कवरेज देता है या कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है, किसका फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं यही सब पॉइंट आपकी क्लियर करूँगी, क्योंकि इससे पहले जब मैंने इनको नहीं लगाया था तो मेरे भी ये सब पॉइंट थे कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, किसे लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको यही सब बताऊँगी। तो सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉन्ड्स बीबी क्रीम है, इसका प्राइस है 78, और जो हमारे पास फेयर लवली क्रीम है इसका है 40, ठीक है। और दोनों ही 9 ग्राम में आती हैं, इनकी क्वांटिटी 9 ग्राम है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कवरेज की। तो देखिए, जो पॉन्ड्स बीबी क्रीम है ये मीडियम कवरेज देता है, और जो हमारे पास फेयर लवली क्रीम है ये क्या करता है कि मीडियम से थोड़ा सा कवरेज ज़्यादा है इसकी। हाई कवरेज तो नहीं बोल सकते, लेकिन पॉन्ड से कवरेज थोड़ा ज़्यादा देता है। और जो फेयर लवली है ये क्या करता है, थोड़ा सा ये थिक है, थोड़ा सा थिक लगता है ये पॉन्ड से, और पॉन्ड्स का थोड़ा सा इतना थिक नहीं है जितना कि बीबी क्रीम है। अगर आप पॉन्ड्स की क्रीम लगाते हैं तो क्या होता है कि ये आपको ब्राइट तो करता ही है, साथ में एक ग्लो देता है, एक साइन आती है आपके फेस पे। लेकिन अगर आप फेयर लवली लगाते हैं तो ये आपको एकदम से मतलब वाइट कर देता है, बहुत ही अच्छा, मतलब आप गोरे दिखने लगते हैं, आपकी स्किन होती बिल्कुल ब्राइट हो जाती है, लेकिन ग्लो नहीं देता है ये। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा ऑयल वगैरह आएगा तो उससे थोड़ा ग्लो करेगा, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये ग्लो नहीं करता है। और जो पॉन्ड्स में है, इसके दो शेड आएंगे, एक है ओरिजिनल 01 और दूसरा है 02 मीडियम, ठीक है। अब बात आती है कि ओरिजिनल किन के लिए है। देखिए, इससे पहले जब मेरे पास जो मीडियम साइज़ था इसका, पॉन्ड्स बीबी क्रीम का, तो मेरे पास मीडियम था, 02 था। तो वो क्या करता था, जब मैं जिस टाइम लगाती थी उस टाइम तो मेरा मेरा जो फेस था वो मतलब मेरी स्किन थी वो ब्राइट लगती थी, लेकिन 1-2 घंटे के बाद क्या था, ये ऑक्सीडाइज होके थोड़ा सा डल, में जो ओरिजिन जो स्किन टोन थी उससे थोड़ी मेरे डल लगती थी। तो इस बार मैंने क्या किया, इसका मिनी साइज लिया और मैंने 01 लिया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट था मेरे स्किन टोन के। ऑक्सीडाइज भी होता है तब भी पता नहीं चलता है, थोड़ा सा जब हम लगाते हैं थोड़ा सा ब्राइट करता है, लेकिन उसके बाद ये मेंटेन हो जाता है अपना। और जो फेयर लवली, इसमें कोई शेड नहीं है, ये ऑल स्किन टाइप है। अब बात आती है कि मेल फीमेल के लिए, ये हर किसी के लिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि सिर्फ मेल के लिए या फीमेल के लिए है, लेकिन स्पेशली मेल के लिए, क्योंकि कई लोग क्या है कि मेडिकेट क्रीम लगाते हैं, ठीक है, लेकिन सनस्क्रीन स्किप कर देते हैं, नहीं लगाते हैं। तो मैं उनसे बोलूँगी कि आप पॉन्ड्स बीबी क्रीम लगाइए, क्योंकि इसका कवरेज ज़्यादा नहीं है, मीडियम है, और लड़के वैसे भी ज़्यादा गोरे चिट्टे अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो आपको, आपके लिए ये पॉन्ड्स बीबी क्रीम सबसे अच्छी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब बात आती है कि जैसे कि वाटर प्रूफ इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन कई हमारे जो फाउंडेशन होते हैं, महंगे महंगे फाउंडेशन होते हैं, तो जैसे हम कभी बारिश वगैरह में जाते हैं या फिर कभी हमारे फेस पे कभी पानी पड़ता है तो क्या होता है कि वो निकल जाता है पानी पड़ने पे। लेकिन ये क्या आपको पता है, रब करने पे ये दोनों ही मतलब बहुत अच्छा फॉर्मूला है दोनों का। बारिश, जितनी भी बारिश हो ये निकलेगा नहीं, आपकी स्किन पे बिल्कुल चिपका रहेगा। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है। ये बीबी क्रीम लेकिन ये फाउंडेशन से भी ऊपर है, मतलब कि फाउंडेशन से भी ऊपर का काम करते हैं ये। कई फाउंडेशन तो ऐसे होते हैं कि पानी से ही निकल जाते हैं, पसीने से ही अपना आप निकल जाते हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है इसका। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर और कोई डाउट रह गए हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी।